कोई तीर्थ
कह सकते हैं तीर्थ यात्रा क्या है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मन भ्रम, मन का जो भ्रम है। हम अयोध्या गए, मथुरा गए, काशी गए, कांची गए, गोदावरी गए, हैं सारे तीर्थ घूम घाम करके आ गए, हे हमारी तो मुक्ति हो गई। भक्तिनाथ ठाकुर कहते से सत्र तब भ्रम, जितमारी भ्रम है तीर्थ यात्रा करने पर उद्धार हो जाता है। बोले निरर्थक परिश्रम, जो तीर्थ यात्रा है केवल तुम्हारी परिश्रम ही परिश्रम कुछ होने वाले नहीं। बोले शास्त्र ने जो बताया तीर्थ जाओ दर्शन करो, बोले तीर्थ यात्रा है तात्पर्य क्या है, बोले तीर्थ यात्रा इसलिए करने के लिए बताए तीर्थ फल साधु संग, इसलिए तीर्थ जाने के लिए बताए तीर्थ में साधु लोग वैष्णव लोग रहते हैं, तीर्थ है इसलिए उसका फल है साधु संग। इसलिए आपके भक्तों कहते हैं बोले गौरव स्फूर्ति होना,
इसलिए महाप्रभु जब गया से आते हैं महाप्रभु का जीवन परिवर्तन लिखता है। दिन रात हा कृष्ण बोल करके कहाँ जाऊँ कहाँ प्राऊ ब्रजेंद्र नंदन कहाँ जाने पर वो श्याम सुंदर हम मिलेगी। दिन रात कृष्ण बिहन रोते हैं महाप्रभु रोते हैं। सालग्राम को पूजा करने के लिए जाते तो वहाँ सालग्राम को देखते ही वो कृष्ण भी याद आते हैं। वो पूजा क्या करेंगे आंखों का आंसुओं से महाप्रभु का पूरा कपड़ा भीग जाता है आंसुओं से। अरे महाप्रभु फिर कपड़ा को फिर छोड़ के दूसरे कपड़े पहनते हैं। फिर जब जाते हैं पूजा करने के लिए फिर सालग्राम देखते हैं वही कृष्ण का काले कृष्ण दिया जाता है हैं महाप्रभु। इसलिए जब वहां से वापस आए ना एकदम महाप्रभु कृष्ण प्रेम में एकदम बाबरा लग गए महाप्रभु। इसलिए किसी किसी ने बोले इसको तो बाल का रोग हो गया लगता है सर पर ठंडा तेल लगा नारियल पानी पिला उसको हैं अलग अलग। सच्ची मैया तो हैं सच्ची मैया तो महाप्रभु को देख करके हैं देख करके मैं निमाई का क्या हो गया जब से गया से आया तब से दिन रात चैन नहीं दिन रात रोता रहता है। कभी हंसता था हा 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 करके घट पे हंसता है कभी रोता तो रोता रहता है। बोले क्यों कृष्ण का दर्शन करते हैं अब सबको मतलब जो जैसे बोलते हैं मैया वैसे करती है। लेकिन एक समय शिवास पहुंच गया जब शिवास पहुंच गया तो देखो शिवास मेरे बेटे को नाचन किया हो गया जब से गया चला इसको कौन सा बीमारी हो गई। लेकिन शिवास पंडित कौन है कि नारद है शिवास पंडित नारद है कहते सोना रहे ना वो सोने को पहचान सकता है सोने को सब नहीं पहचान सकते सोना को पहचान सकते हैं। वो तो नारद जी है उन्होंने महाप्रभु शरीर में प्रेम का जो स्त्री कंप असर पुलक वैवर का व्यपत हो ये जो अष्ट साथी विकार को देखा ना बोले सचिन भैया ये बात उसको बोलना नहीं तुम्हारे बेटे के शरीर में जो लक्षण है ना ये तो महाभागवत का लक्षण परम वैष्णव का लक्षण है ये बात सबको बोलना नहीं ये बड़ी गोपनीय कुछ दिन में कृष्ण का बड़े रहस्य रचनाएं प्रकट होने वाले कृष्ण की बड़े सुंदर लीला होने वाले ये बात इसको बोलना नहीं। जब श्रीवास पंडित ये बोले ना महाप्रभु इतने खुश हो गए महाप्रभु बोले श्रीवास अगर तुम भी बोल देता बेटा ये बाय रोग है ना मैं तो आज गंगा में छलांग लगाने प्राण त्याग करता हाँ प्राण त्याग कर देता। इसलिए कहते हैं ये ऐसी गुरु दर्शन करने का ये फल है जब हम संकोच रूप में हम प्रेमी भी बन जाए जी आप कृष्ण नाम लेकर रोए हैं कृष्ण चिंता में संपूर्ण डूब जाए तब ये कहते हैं यही वास्तव रूप में गुरु जी की कृपा और गुरु जी का दर्शन ये है। इसलिए महाप्रभु अपना जीवन में ये शिक्षा देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु जी का जो विप्रलंबन जो सेवा ही हैं कहते गुरु जी का एक विप्रलंबन सेवा ही करने से वास्तव रूप में क्या होता है भगवत भक्ति की तभी प्राप्त होता है। इसलिए हमारे श्रृंगारतन दास ठाकुर क्या कहते हैं बोले श्री चैतन्य मन भीष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदा। गुरुदेव उदाहरण देते थे गुरुदेव का जो सेवा है तरह तरह से भक्त लोगों ने गुरुदेव का सेवा किया है। गुरुदेव उदाहरण देते थे से उदालक वो भी गुरु जी की सेवा किया नाम सुनेंगे उदालक का नाम सुनेंगे नहीं नाम नहीं उदालक का नाम सुने ये उदालक जब गुरु जी के आश्रम में रहते थे पहले जब गुरु जी के आश्रम में जाकर शिष्य लोग रहते थे गुरु सेवा करना पड़ता था। अभी बारिश हो रही है बारिश में खेती में जो पानी होता है ना मेड़ पर तोड़ करके पानी चला जाता है इसलिए गुरु जी ने आदेश कर बेटा उदालक जाल बारिश हो रही है खेती से अगर पानी निकल जाएगा खेती नहीं होगा जब तुम देखते रहता तो वो गया मुझसे बारिश हो रही थी और गया सब मेड़ टूट करके ना पानी सबके सब निकलते रह जाए सारे पानी उन्होंने बहुत कोशिश किया मिट्टी से मिट्टी दे करके उसको अटका के लेकिन रुका ही नहीं लाख उसने मेड़ करके सब ले लिया इस खेती का पानी बाहर नहीं चल जाए तो खेती कैसे होगा। अभी गुरुदेव ने कहा उदालक गया तो गया अभी तक वापस नहीं आया तो गुरु जी ढूंढने के लिए आए देखने के लिए आए बोले उदालक तुम कहाँ हो बोले गुरुदेव मैं यहीं पर
और आप तेजी बारिश हो रहा है लेकिन बैठ करके लेटा हुआ पानी नहीं, और तुम सही काम रहा था ठंडक हुआ, लेकिन गुरु जी सेवा के लिए ना, गुरु जी की सेवा के लिए उसने काँप रहा था, बारिश हो रही थी तेजी से, लेकिन मेड बेड पर लेटा हुआ पानी खेत से बाहर नहीं चले गया। हे गुरुदेव, उसको सेवा सेवा देखने के ना इतने प्रसन्न हो गए, उसका आशीर्वाद दिया। गुरुदेव बेटा, तेरे हृदय में सारे वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ तेरे हृदय में स्फूर्ति हो गया। इन्होंने एक सेवा की, बोले दूसरे सेवा किसने किया, बोले उपमन्यु। उपमन्यु का नाम सुने, जो उसने गुरु जी के आश्रम में आए हैं, गुरु जी के आश्रम में बेटा गैया चराने के लिए, पहले क्या करते थे जब शिष्य लोग आते थे आश्रम में हैं, पहले तो ऐसे नहीं था, रमन किया गौरव मंदिर का समय है, उस समय में ना बहुत कठिन जीवन जीवन था, बड़ी कठिन जीवन है, तभी वो लोग परिश्रम करते थे, गुरु जी की सेवा करते थे, इसलिए उनको फल मिलता था। गैया चराने के लिए जाओ खेती में हैं, खेती में जाकर फावड़ा से मिट्टी काटो, भगवान राम का लीला देखा कि नहीं, गुरु जी के आश्रम में चार तरफ में झाड़ू लगा, भगवान कृष्ण राम ने सब काम किया है, गुरु जी के आश्रम में जाकर के हैं खेती करना, फावड़ा में मिट्टी काटना, बीज बोना उसमें, और सब चीज ला कर गुरु जी की सेवा में लगाना, भाई सब भगवान राम स्वयं ने काम किया, कृष्ण ने सारे काम किया है अपना गुरु आश्रम में जा करके। इसलिए बोले बेटा जा गया चलाने के लिए, लेकिन जो गया चलाने के लिए गए, लेकिन गुरु जी कुछ खाना नहीं देते थे, खाना नहीं देते तो देखा लेकिन उसका शरीर कितना हेल्दी है, बोले बेटा जब तुम्हें तो खाना देता है लेकिन तेरे शरीर हेल्दी कैसे है, बोले गुरु जी थोड़ा सा दूध पी लेता, बोले दूध ये बछड़े के लिए, तेरे लिए थोड़ा दूध है, खबरदार दूध नहीं पीना, ये बछड़े के लिए है, बछड़े के लिए दूध है, बछड़े का तबियत खराब हो जाएगा, दूध नहीं पीना, लेकिन तभी देखा तो तबियत ठीक ठाक, बोले उपमन्यु तेरे को तुम्हें कुछ भोजन देता है नहीं, तुम्हारी हेल्थ बढ़िया कैसे, बोले गुरु जी जब भूख लगता है ना और बछड़े जब दूध पीते हैं आप देखे होंगे, दूध दोनों साइडों पर झाँक मिले, बोले गुरु जी वो झाँक को खा लेता, बोले खबरदार नहीं खाना, क्योंकि जो बछड़े हैं ना जान बूझते हुए तरीके जरा झाँक बनाते हैं, इसे झाँक नहीं था, अभी उसको भी खाना बंद करती है तो भूख लगा, फिर कहाँ से खाएंगे, जो आकंद का पेड़ होता है उसको तोड़ो तो देखना उसमें दूध जैसे निकलता है, अरे भूख लगे तो क्या करें, उसको खा लो बस, आप अंधा हो गया तो कुएं में गिर पड़ा, गड्ढे में गिर पड़ा, गुरु जी ने देखा उपमन्यु तो आया ही नहीं, तो गुरुदेव ढूंढते ढूंढते आए, बोले उपमन्यु उपमन्यु तुम कहाँ हो, बोले गुरु जी हम यहाँ पर, बोले वहां क्या कर रहे हो, देखा गड्ढे में गिरा है, आप अंधा हो गया आकर जूस खा कर आप अंधा हो गया, तो गुरुदेव ने फिर उसको आंखों में हाथ फिरा दिया तो बस फिर उसको आज दो बार फिरा दिया। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते थे, देखो इन लोगों ने गुरु सेवा की, फिर गुरुदेव उदाहरण देते थे कृष्ण सुदामा, इसकी उदाहरण देते थे कैसे उन्होंने गुरु सेवा किया है, जैसे कृष्ण सुदामा गुरुदेव ने गुरु माता जी ने कहा देखो ठाकुर जी की रसोई बनेगी, जा जंगल से लकड़ी बीन करके ला, तो गए जब लकड़ी को काट करके एकत्र किए, बांधे करके सर पर रखे हुए, इतने में घना घोर बारिश लगा, ऐसे बारिश लगाई चार तरफ में पानी पानी, कहाँ गड्ढा कहाँ ऊंचा पता ही नहीं चल रहा है, पानी पानी, लेकिन उसको अंदर में भी भगवान ने जो लकड़ी की जो गठरी था ना तब भी उसको सर पर रखे हुए हैं, उसको सर पर रख करके ठाकुर जी खड़े हुए, कृष्ण सुदामा खड़े हुए।